हे गाइस, मेरा नाम है सोनू। आप देख रहे हैं टेक मुंबईकर और आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करता है और किन किन स्मार्टफोन में ये वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको ये देखने मिल जाएगा कि एक फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, यानी एक फ़ोन का जो चार्जिंग है वो आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया केबल। इसे कहते हैं रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी। और आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको ये सब देखने मिल जाएगा। अभी मेरे पास है यहाँ पे वीवो का U20 जिसमें आपको ये फीचर देखने मिलता है रिवर्स चार्जिंग का। आज मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक स्मार्टफोन जिसमें रिवर्स चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यानी रिवर्स चार्जिंग का फीचर सपोर्ट करता हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है वीवो का U20 जिसमें 5000mAh की बैटरी है और इसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके बाद आपको चाहिए एक दूसरा स्मार्टफोन जिसे आप चार्ज करना चाहते हैं, जो कि कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक चाहिए OTG केबल और उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए एक नॉर्मल केबल। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है कि अपने OTG केबल और अपने USB केबल को आपस में ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। और जो OTG केबल का ये पोर्ट है, माइक्रो USB का पोर्ट, उसे आपको अपने उस फोन में लगाना है जिसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता हो। तो वीवो U20 में मैं यहाँ पे इसे इस तरह से लगा दूंगा और ये हो गया यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका केबल है उसका जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे लगाना है अपने उस स्मार्टफोन में जिसमें आप चार्जिंग करना चाहते हैं। इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। अब जो फाइनल स्टेप आपको यहाँ पे करना है कि आपको जाना है अपने स्मार्टफोन में और उसकी सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे OTG में। तो OTG में जाने के बाद इसे यहाँ से आपको इनेबल कर देना है और इनेबल करते साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और जो मेरा स्मार्टफोन है वो यहाँ पे चार्ज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्जिंग का सिग्नल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। एक स्मार्टफोन से आप दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, बस आपके स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह से आप अपने एक स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन से चार्ज कर सकते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है ये टेक्नोलॉजी। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।